राजधानी शिमला में इन दिनों जाम से हाल बेहाल है। आलम यह है कि 2 किलोमीटर के सफर तय करने में 1 घंटा लग रहा है। शहर के तकरीबन सभी क्षेत्रों में हर रोज जाम लग रहा है। लोगों के साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक भी जाम से परेशान हैं। वहीं इसका असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ने लगा है। वहीं जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन में जिला प्रशासन और पुलिस को सुझाव दिए हैं और शहर में प्रवेश द्वार पर ट्रैफिक लाइट लगाकर ट्रैफिक को कंट्रोल करने को कहा है। साथ ही सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी करने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने कहा कि शिमला शहर में ट्रैफिक की समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण सही से प्लानिंग न होना है। शिमला की सबसे बड़ी बहुमंजिला पार्किंग और मॉल को एक ही स्थान लिफ्ट के पास बनाया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में जाम लगता है। शहर के अन्य हिस्सों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। ना तो कोई बहुमंजिला पार्किंग बनाई गई है और ना ही माल रोड को जोड़ने वाली कोई अन्य लिफ्ट शहर के दूसरे छोर पर बनाई गई है। देखिए, हमने एक कुछ सुझाव एसपी साहब को देने जा रहे हैं, जिससे कि हम समझते हैं कि ट्रैफिक के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये हमारा ये जो ट्रैफिक का सिस्टम है, जैसे ये बढ़ता चला जा रहा है, इसकी समस्या बढ़ती जा रही है, ये आने वाले समय में ये एक बहुत विकराल रूप धारण कर सकता है। और उसके सबसे बड़ा जो कारण है वो ये समझते हैं कि मिस प्लानिंग। अब जैसे अगर हम लिफ्ट के पास बात करें तो सब कुछ वहीं पर बना दिया गया और बाकी के जो कॉर्नर्स हैं, जैसे आपका सर्कुलर रोड में अगर हम अक्रॉस द विक्टर की बात करें, विच इज द बिगेस्ट हब ऑफ होटल इंडस्ट्री, तो वहां पर ना तो कोई पार्किंग बनाई गई मल्टी स्टोरीड, ना वहां कोई लिफ्ट का प्रावधान किया गया, तो सब चीजें एक जगह ही बना दी गई। रहते कुते जो हमारा वो आजीविका भवन, तो वो भी वहीं कंस्ट्रक्ट कर दिया गया। तो ये अगर इन चीजों को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ट्रैफिक की समस्या बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, जो डाइवर्शन ऑफ टूरिस्ट कर देते हैं वहां से, या डाइवर्शन हमारा तो लोकल पब्लिक को भी कर देते हैं टूवर्ड, दैट इज नॉट द अल्टरनेटिव। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आप किसी चीज को लेफ्ट हैंड साइड से या तो राइट हैंड को डाइवर्ट करोगे तो दोनों साइड का ट्रैफिक रुक जाएगा और उससे लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। तो हमारा यही आग्रह रहेगा कि इसको बजाय कि इसको डाइवर्शन करने के, हमारे को जो है इसके ऊपर बैठ के विचार करना चाहिए और जो हम सुझाव दे रहे हैं, अगर वो उनको लगता है कि हमारे सुझाव किसी उनके काम आ सकते हैं तो उनके ऊपर अमल करना चाहिए। हमने जो सुझाव दिया, जो सबसे बड़ा सुझाव दिया है कि अब ये जो है कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है, जब गाड़ियां आपके टूटीकड़ी बाईपास पे आ जाती है उसके बाद कंट्रोल की बात समझे तो मैं समझता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। इसको राइट जहां पर हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट का बैरियर शुरू होता है, शोगी से थोड़ी आगे, वहीं से इसको कंट्रोल किया जाए। वहीं पर ही जो है ट्रैफिक लाइटिंग सिस्टम से डेढ़ डेढ़ दो दो मिनट गाड़ी को रोका जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति, अगर चाहे वो लोकल है चाहे वो टूरिस्ट है, जब वो शोगी से शिमला आना चाहता है उसको कई बार घंटा डेढ़ डेढ़ घंटे लग जाते हैं। तो यहां पर 7 के करीब जो है बाइफर्केटिंग पॉइंट्स हैं, अगर उन बाइफर्केटिंग पॉइंट्स के ऊपर ट्रैफिक लाइट्स लगा दी जाए, कहीं 1 मिनट रोका जाए, कहीं 1.5 मिनट रोका जाए, कहीं 2 मिनट रोका जाए, तो 14 मिनट के अंदर मैं समझता हूँ मैक्सिमम जो है आदमी विदाउट एनी हिंड्रेंस शिमला पहुंच सकता है। और जब वो टूटीकंडी बाईपास पे पहुंचेगा तो इनको पूरी हजारों के हिसाब से गाड़ियां या सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियां नहीं आएंगी, वो कुछ गाड़ियां आएंगी जिनको वो कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको वो प्रॉपरली भेज सकते हैं। तो उसके लिए हमने इनको सुझाव दिया कि आप एक ट्रैफिक लाइट का सिस्टम करें, और जब तक आप ट्रैफिक लाइटिंग सिस्टम नहीं करते, हमारी एसोसिएशन जो है सिविल डिफेंस के साथ मिलकर आपको वॉलंटियर्स देगी, आप जाके इसके ऊपर एक रैकी कीजिए, आप इसके ऊपर एक कोशिश कीजिए कि अगर इस तरह से हम करते हैं तो इसके क्या उसका हमें कोई इफेक्ट होता है। सिमिलरली पार्किंग्स हैं, देख रहे हैं हम पार्किंग से बाहर तक नेक टू नेक लोग पार्किंग्स में गाड़ियां लगा देते हैं, उसमें क्या होता है कि जब एक गाड़ी निकलनी है तो 10 गाड़ियां पीछे की बाहर रोड पे करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीजें रेगुलेट करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं अगर ये सारी चीजें रेगुलेट हो जाए तो ना तो हमारे लोकल पब्लिक को कोई इसमें इन्वीनियंस रहेगी और ना ही हम जो है टूरिस्ट आकर यहाँ पर परेशान। तो आप तक एडवाइजरी का सवाल है, ये बहुत घातक चीज है। जब विंटर होता है तो एक एडवाइजरी नोट निकाल दिया जाता है, उससे टूरिज्म खत्म हो जाता है। अब ये बार बार हर हफ्ते जाकर एडवाइजरी निकाल दी जाए, मेरी समझ से बाहर है कि जो क्लेम किया जाता है कि 9,000 गाड़ियां आ गई, 10,000 गाड़ियां आ गई 11 घंटे के अंदर, दैट मेक्स 880 कार्स पर आवर, विच इज इम्पॉसिबल। इसमें लोकल भी है, इसमें ट्रक्स भी हैं, इसमें बसेस भी हैं, तो सिर्फ एक कर देना कि 9,000 गाड़ी आ गई, जो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वहां चूक हुई है कि 9,000 गाड़ी 11 घंटे के अंदर शिमला शहर के अंदर नहीं आ सकता। इफेक्ट पड़ता है टूरिस्ट जो है, अगर आप देखें सैटरडे को टूरिस्ट आया था, आज संडे मंडे जो लगना था टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया, कल बिल्कुल ऑक्यूपेंसी लोगों में नील के बराबर थी। तो मैं समझता हूँ बजाय कि ऐसी एडवाइजरीज को किया जाए, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस है उसको रेगुलेटरी और जो हमारी मैनेजमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाए, उसमें सारी पब्लिक को जो स्टेक होल्डर्स उनको भी ज्वाइन किया जाए और उनके अच्छे सुझाव को लेके इसको
इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए।